देखिए दोस्तों, अभी तो फैक्ट्री से निकल गया खाली उली करके और पार्किंग में लगा दिए, सेंचुरी प्लाईबोर्ड पार्किंग में लगा दिए हैं। आज मछली बन रहा हम लोग का, देख रहे हैं बड़ा मछली है, 1.5 किलो लिए हैं। 3 जन में 1.5 किलो तो इतना खा नहीं पाएंगे, लेकिन रात हो जाएगा खाने में। देखिए दोस्तों, दिन के 12 बज चुके हैं और हम जो है रोहित के लिए मछली लेके आए थे, क्योंकि रोहित जो है हमारा ट्रक में आया है तो मछली खाने से शगुन होता है और हम भी चाहते हैं कि मेरा रोहित का थोड़ी सुपर हिट रहे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी सुबह के 7 बज चुके हैं। तो पिछला ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग कोलकाता फैक्ट्री में पहुंच चुके थे। तो ये जो फैक्ट्री है वो खेदीरपुर तारा तला से आगे आम तला में पड़ता है और ये सेंचुरी का पार्किंग का एरिया है। देखिए और भी बहुत सारा गाड़ी लगा हुआ है, जितने भी गाड़ी आते हैं रात में यही पार्किंग में रुकता है। तो ये पार्किंग भी सेंचुरी प्लाईबोर्ड का ही है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी गार्ड आया था, बोला चलिए गाड़ी आप अंदर लेके चलिए, वहाँ पे कांटा वगैरह होगा तो आपका गाड़ी आज दिन में खाली हो जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और यूट्यूब में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं। अभी तो रोहित सोया हुआ है, अभी सुबह सुबह ही जगा दिया, हम लोग 2 बजे रात में आके सोए थे तो नींद भी पूरा नहीं हुआ है। तो अभी चलते हैं, पहले गाड़ी लगाते हैं, कांटा करते हैं, खाली करते हैं और अंदर में खाना पीना भी बनाएंगे, साथ में गाड़ी भी हमारा खाली होगा। दोस्तों अभी गाड़ी पार्किंग से निकाल रहे हैं बाहर और ये बगल में ही सेंचुरी प्लाईबोर्ड का बहुत बड़ा फैक्ट्री है। वैसे सेंचुरी प्लाईबोर्ड का अपना ही ब्रांड है। हम लोग आए हैं खाली करने के लिए, अब खाली कर लेते हैं जाके। दोस्तों यही रहा फैक्ट्री का मेन गेट, अब चलते हैं। 100 मीटर अंदर में काटा है, पहले काटा करवाते हैं गाड़ी का, किस अनलोडिंग एरिया में गाड़ी खाली करवाएगा वो देखना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी गाड़ी पंकज भैया घुसा दिए हैं फैक्ट्री के अंदर। तो गाड़ी दूसरा नंबर पे है, एक गाड़ी आगे है, उसके बाद हम लोग है, तो हम लोग का खाली हो जाएगा। दिन भर में 5 गाड़ी खाली करते हैं। अभी देखिए कांटा यहीं बगल में है, कांटा होगा, उसके बाद पार्टी जो सुपरवाइजर है वो बुला के अपने लेके जाएगा तो कहाँ खाली करना है। देखिए दोस्तों, अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी कांटा में हम लोग का गाड़ी चढ़ गया है। तो भैया गया हुए हैं, पंकज भैया जो कांटा बाबू है उसका पास, जो कितना माल का वेट हुआ तो कांटा उठा करके आगे लेके जाएंगे। और देखिए कहाँ सुपरवाइजर बोलेगा खाली करने के लिए, अभी कांटा करवा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी गाड़ी लगा दी है यहाँ पे जहाँ खाली होगा माल। अभी विकास तिरपाल खोल रहा, हम नीचे से खोल देंगे, यहीं पे तिरपाल उरपाल खोल के घुसाया जाएगा गाड़ी। देखिए दोस्तों, अभी तो खोल दिए हैं, डाला वाला तिरपाल विरपाल खोल दिए हैं, अब खाली होने जाएगा। अभी लोग यहाँ खाली करेगा, हम लोग जा रहे हैं चाय नाश्ता करेंगे अपना बड़े सुरेश करके, तो अपना अपना धीरे धीरे खाली करेगा, फिर यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद खाना पीना बनाएंगे। देखिए दोस्तों, अभी चाय पी रहे हैं, चाय वो पी के अब जाके बड़े सुरेश करेंगे और उसके बाद फिर नाश्ता वास्ता करेंगे और खाना तो अंदर ही बनेगा, आज मछली बनेगा। जा रहे पंकज भैया अभी मछली लाने के लिए, अभी मछली या चावल बनेगा, मस्त एकदम खाना। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग का गाड़ी तो खाली होने लग गया है, अब खाली हो रहा है, आधा एक घंटा लगेगा खूब जोर खाली होने में, जल्दी ही खाली हो जाएगा। अब फिर अपना बाहर पार्किंग में जो है पार्किंग में रुकना है और वहीं पे आराम से खाना पीना बनाएंगे। यहाँ तो खाना पीना नहीं बना सकते हैं क्योंकि आवाजें दुनिया भर का और गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, नीचे में तो नहीं बना सकते। देखिए कितना कचरा है, नीचे में नहीं बना सकते हैं, वो बाहर पार्किंग में आराम से मस्त अपना बनाएंगे, उधर पानी का भी व्यवस्था है। अरे यार जल्दी खाली हो जाएगा, खाली वाली होने के बाद यहाँ से आराम से निकलेंगे। देखिए दोस्तों, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी हम लोग नाश्ता करने के लिए आ चुके हैं और मतलब मुंह हाथ धो के आ गए हैं हम लोग नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे नाश्ता उस्ता कर लेते हैं और फिर जाके गाड़ी में तो मछली आ गया है, बनेगा पार्किंग में बाहर में, तभी नाश्ता हो जाए तो आराम से गाड़ी उड़ी खाली हो जाएगा, उसके बाद पार्किंग में बाहर में मछली बनाएंगे। चलते खाने के लिए। बंगाल का खाना है, बहुत मस्त लगता है, घुगनी मुड़ी कचौड़ी ये सबसे फेमस चीज है बंगाल का।
देखिए दोस्तों, अभी तिरपाल लेके जा रहे हैं, तिरपाल को लोड कर रहे हैं। गाड़ी हम लोग का खाली हो चुका है, इसको अब रख दिए। अब रख देने के बाद डाला उठाएंगे, अपना डाला उठा के लगा देना है, अब फिर आराम से कांटा करवा लेंगे। कांटा पे आ गए हैं, कांटा करवा रहे हैं गाड़ी, और कांटा करवा के आराम से अपना रिसीविंग ले लेंगे। जाएंगे अभी स्टोर रिसीविंग लेने के लिए, और फिर अपना बाहर पार्किंग जो जो लगाए थे रात को 1 बजे गाड़ी, तो वहाँ पे फिर लगा देंगे गाड़ी, और 10:30 बजे 11 बजे निकलेंगे यहाँ से। कहे की रात को यहाँ तो नो एंट्री अब खुलता नहीं है, कहे की सिटी का सबसे सिटी के अंदर में, तो खाली उली यहाँ तो खाली उली हो गया है। कांटा वोटा करवा रहे हैं, अब निकलेंगे। यहाँ मछली है, अब मछली बाहर में बनेगा ना अंदर में बनेगा, वही रिसीविंग का ऊपर है। रिसीविंग मिल जाएगा तो बाहर में बनाएंगे। देखिए दोस्तों, अभी तो फैक्ट्री से निकल गया खाली उली करके, और पार्किंग में लगा दिए हैं, सिंचुरी प्लाई बोर्ड पार्किंग में लगा दिए हैं। आज मछली बन रहा हम लोग का, देख रहे हैं, बड़ा मछली है, 1.5 किलो लिए हैं। पंकज भैया 1.5 किलो लाए, 3 जन में 1.5 किलो तो उतना खा नहीं पाएंगे, लेकिन रात हो जाएगा खाने में, तो अभी बना रहे हैं। अरे 5 किलो का साइज था तो 1.5 किलो कटवा के लिए, बड़ा बड़ा मछली था, तो पंकज भैया लेने गया था तो हम लोग गाड़िये में थे, तो अभी बना रहे हैं। आज पंकज भैया बनाएगा मछली, पंकज भैया का हाथ से खा रहे हैं, कहे कि मेरा तो आज तीसरा दिन है इन मछली से यात्रा करते हैं, कहे कि मछली से यात्रा बोलता है बढ़िया होता है, तो मछली आज खाते हैं। देखिए दोस्तों, दिन के 12 बज चुके हैं, और हम जो है रोहित के लिए मछली लेकर आए थे, क्योंकि रोहित जो है हमारा ट्रक में आया है, तो मछली खाने से शगुन होता है, और हम भी चाहते हैं कि मेरा रोहित का जोड़ी सुपर हिट रहे, क्योंकि देखिए कोई भी काम होता है तो लास्ट टाइम के लिए होता है। तो चलिए आज मछली बना के रोहित भाई को खिलाते हैं। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, और पूरा हल्दी नमक तेल लगा के बढ़िया से मिला दिए हैं, मिक्स कर दिए हैं। अब एक एक करके मछली को बढ़िया से फ्राई करते हैं। वैसे ये मछली ज़्यादा बड़ा था तो इसका काटा भी मोटा है, इसमें ज़्यादा काटा रहता नहीं है, तो चलिए मछली को फ्राई करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक सेट से पहले बढ़िया से फ्राई होने देते हैं, उसके बाद इसको पलटी कर देंगे। क्या रोहित भाई? हाँ देखिए दोस्तों, अभी तो मछली बन रहा है, अभी मछली या चावल चलेगा। चावल तो बन गया आगे गाड़ी में, लेकिन वहाँ पे नहीं बनाए, क्योंकि गाड़ी में अंदर में बनाएंगे तो गर्मी लग रहा है, गर्मी का दिन आ गया ना, यही चलते बोले आज मछली नीचे में बनेगा, क्योंकि नीचे में तो हम लोग भी बनाते थे एक समय, ऐसा बात नहीं है, हम भी नीचे में बोले चलिए पंकज जी आज नीचे में बनाते हैं। देखिए दोस्तों, एक सेट से हमारा बढ़िया से मछली फ्राई हो चुका है, अब इसको आराम आराम से पलटी कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, कितना ही बढ़िया से एक सेट से हमारा मछली फ्राई हो चुका है, और ये देखिए पलटी भी कर दी है। ये मछली खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा भाई, क्योंकि मछली का क्वालिटी और क्वांटिटी देख के ही पता चल जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब इसको निकाल देंगे 5 मिनट के बाद। दोस्तों देखिए, बढ़िया से फ्राई हो गया हमारा फिश, इसको थाली में निकाल दे रहे हैं। मछली बनाने में थोड़ा झंझट है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मछली बनता भी ऐसा ही है, सबसे पहले फ्राई करना पड़ता है। तो चलिए फिर से मछली डाल दे रहे हैं इसमें। दोस्तों ये देखिए, सारा मछली फ्राई करके निकाल दिए हैं, सिर्फ अपने पास मुंडी बचा हुआ है, तो ये मुंडी को भी बढ़िया फ्राई कर लेते हैं। कितना बड़ा है भाई, लग रहा है 100 ग्राम का है। देखिए दोस्तों, अभी प्याज भून रहा है, पंकज भी अब मछली तो भून दिया है, और हम अभी प्याज भून रहे हैं। यही प्याज हम भूनेंगे, उसके बाद हम मसाला का सब काम कर देंगे। हम मछली चलो पंकज भी अब भूजे हैं, तभी मसाला वसाला सब डालेंगे, और आज मछली बनाएंगे, आज मस्त खाना है मछली। ये दोस्तों, अभी प्याज तो लाल हो गया, और मिर्चा भी डाल दिए थे, मतलब जो डालना था केमिकल इसका डाल दिए हैं, और अभी इसे मसाला डाल रहे हैं, इसका ये मसाला डाल दिए, ये मसाला डाल के इसको अब भूनना है, मतलब इसको हार्ड करना है, उसके बाद इसको थोड़ा पानी डाल के मतलब खोलाना है इसको, अब खोला के उसके बाद मछली डालेंगे, ताकि थोड़ा मसाला भी भून लेते हैं, ताकि मसाला भी भूनना जरूरी है। देखिए दोस्तों, मेरा मसाला तो भुंजा गया इधर, और हम जा रहे हैं पानी डालने के लिए, और पानी डाल के इसको खोलाना है,
और खोलाने के बाद देखे पंकज भी आए थोड़ा पानी देखे डाल। अभी पानी उन्हें डाल दिया, उसके बाद टमाटर डालेंगे, खोल जाएगा ये टमाटर गल जाएगा, उसके बाद मछली डालेंगे। देखिए दोस्तों ये मसाला तो जो डाले थे पानी उन्हें डाले थे खोल गया है, अब मछली डालने के लिए जा रहे हैं। कई टमाटर भी डाले थे तो गल गया, अब मछली डाल देते हैं। मछली डालना का काम है, उसके बाद एक थोड़ा ढक देंगे, ढक जाएंगे तो 5 मिनट का काम है, इसमें ज्यादा नहीं है, बन जाएगा। यही डाल दिए, उसके बाद धनिया डालेंगे, धनिया डालने के बाद उसको उतार देंगे इसको। देखिए दोस्तों अभी धनिया डाल रहे हैं, अपना धनिया डाल देंगे, उसके बाद एक थोड़ा ढक के और उतार देंगे, तो धनिया भी गल जाएगा और उतार भी देंगे। तो यही धनिया डालना लास्ट, मतलब इसी का काम रहता है धनिया डालना, क्योंकि धनिया में थोड़ा टेस्ट लगता है खाने में। देखिए दोस्तों अभी तो हम लोग का खाना पीना रेडी हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए, मछली और इधर चावल जा रहे खाने के लिए। अच्छा है भैया, बहुत बढ़िया बना है भाई। हैं रोहित जी आप रहिएगा वहाँ, अच्छा नहीं बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। नहीं मछली ताजा था और बड़ा था ना, इसके लिए काफी स्वादिष्ट लग रहा है, काफी स्वादिष्ट बड़ा मछली था ना। चलिए हम लोग का रोज बनेगा मटर चिकन मछली, सिर्फ दिन बढ़िया होना चाहिए। संडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, फ्राइडे हो गया, जब मौका मिलेगा क्योंकि अब तो हम रहेगा आ गए ना तो बनाएंगे, अब मन पसंद का खाना बनाएंगे, लेकिन होटलबाजी काम करेंगे नहीं, मन पसंद का खाना। गाड़ी का ज्यादा फेवरेट फिश चिकन और मटन है, तो अधिकतर हम लोग भी यही सब बनाएंगे। रोहित का खातिरदारी करना भाई मेरा कर्तव्य है, और इसको अपना छोटा भाई के जैसा मानते हैं, विकास को भी अपना छोटा भाई मानते हैं, तो हम लोग तीनों भाई मिलजुल के रहेंगे, बढ़िया से रहेंगे और अच्छा से काम करेंगे, 2 रुपया कमाएंगे, अच्छा भी लग रहा है, परिवार संसार चलता है भाई। मुंडी तो बड़ा ले लिया रोहित भाई, मुंडी खाए नहीं, कैसा लग रहा स्वादिष्ट। दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं और अभी हम लोग, हम तो अभी नहा धोवा लिया, विकास भाई भी नहा धोवा लिए, अब पंकज भैया नहाएंगे एक थोड़ा बाद में, अब तो अभी जा रहे हैं हम लोग चाय पीने के लिए, तो चाय पी के आते हैं, उसके बाद पंकज भैया नहाएंगे। हम लोग सो गए थे भाई क्योंकि रात में जगे हुए थे ना, इसके लिए नींद आ गया था खाना खाने के बाद। तो रोहित भाई तो नहा के एकदम हीरो बन गया बेचारा, ये देखिए इधर विकास भी एकदम मस्त शेविंग कर लिया है, अब हम भी चलते हैं चाय पी लेते हैं, उसके बाद नहाते हैं। चलिए ऐसे भी दोपहर का खाना बचा हुआ है, बस रोटी वगैरह थोड़ा बना लेंगे। रोटी बना लेंगे, लोडिंग वगैरह की बात किए हैं, अभी पता नहीं चल रहा है, अभी देखिए 1 घंटा में कंफर्म होगा। गाड़ी से यहाँ पे चाय पीने के लिए, चाय पी के थोड़ा मंडी जाएंगे, मंडी में कुछ लेना है, वहाँ से लेके फिर आएंगे आराम से, और फिर अपना खाना पीना स्टार्टिंग करेंगे बनाने में। हाँ चाय पी रहे हैं रोहित के साथ में, बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम बहुत खुश हैं भाई कि रोहित जैसा भाई हमको मिल गया है, और इतना ना खुशी है कि कहना नहीं, और आप लोग कमेंट कर रहे हैं, सारा कमेंट पढ़ रहे हैं भाई। देखिए दोस्तों अभी रात के 8 बज चुके हैं और अभी हम लोग रोटी वोटी बना रहे हैं, यहाँ पे खा पी के आराम से चलेंगे, और अभी पंकज भैया बोल रहे हैं गोरखपुर का, तो देखते हैं कोशिश हो जाए तो गोरखपुर का लूट कर लेंगे, यदि बढ़िया माल मिल गया गुजरात जहाँ राजस्थान जहाँ बम्बई यहाँ इंदौर का जहीं का भी मिल जाए, इधर तमिलनाडु हो जाए, बेंगलोर हो जाए, चेन्नई हो जाए, तो इधर का यदि माल मिल जाता रात भर में तो ठीक है ना, तो गोरखपुर वाला लोड कर लेंगे, वही लोड करके फिर लंबा टूर का भरेंगे, काहे कि आप आ गए हैं, लॉन्ग टूर ही चलेगा। देखिए दोस्तों अभी रात के 9 बज चुके हैं और अभी हम लोग खाना बना लिए, रोटी तो बना लिए, और तीन जगह में मछली लग गया है, तब यहाँ से खा पी के आराम से हल्दिया चलेंगे, हल्दिया से प्रोग्राम निकला है जो लोडिंग का, नहीं का राजगंज का लोडिंग का निकला है, सोचे राजगंज का ना तो गोरखपुर का लोड करेंगे, और अभी विकास भैया है यहाँ पे, तो विकास भैया रोटी मत दीजिएगा, हम खुद ले लेंगे, आपसे मेरा से आप बड़ा है, गलत पे भी है, नहीं नहीं हम बड़ा को रिक्वेस्ट करते हैं भाई, चलिए खाते हैं।
दोस्तों रात के 1 बज चुके हैं और हम लोग कलकत्ता का नो एंट्री खुलने के बाद निकल चुके थे, तो अभी हम लोग बॉम्बे वाला रोड में है। ये रोड सीधा खड़गपुर होते हुए साउथ की तरफ चला जाता है। अभी हम लोग को कोला घाट से लेफ्ट लेते हुए हल्दिया डक जाना है, तो वहीं से कल हमारा गाड़ी लोडिंग होना है। फिलहाल अभी हम लोग पूरा ट्रैफिक एरिया से निकल चुके हैं, अब रोहित को देंगे ट्रक चलाने के लिए, क्योंकि इसका हाथ साफ करना मेरा जिम्मेवारी है। क्योंकि ये हमारे पास आया है तो सबसे पहले मेरा प्राथमिकता है इसका गाड़ी बढ़िया से ये चला ले, थोड़ा हाथ साफ कर ले। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब रोहित चलाएगा गाड़ी। पंकज भैया तो गाड़ी चला ली है, सिटी से निकल गए हम लोग और अभी अभी हमको दे दिया, अब जा रहे हैं हल्दिया आराम से। धीरे धीरे अपना चलते रहेंगे, काहे कि टेलर है और हम उस टाइम तो कंटेनर चलाते थे, बहुत फर्क है, तो आराम से धीरे धीरे चलना है। अच्छा तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसका एक थोड़ा टाली ज्यादा हिलता है और उसमें टाली नहीं हिलता था, तो वो तो पेक रहता था डब्बा, एक थोड़ा टाली हिलता है, उतना नहीं फर्क है, लेकिन चलाने में तो बहुत मस्त लग रहा है।